हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज है 19वां रोज़ा और आज हम अपना दूसरा व्लॉग शूट कर रहे हैं रमज़ान का। और पीछे हमारे हुमायूं जो खड़ा हुआ है, आज हुमायूं ने कहा भाई, और आज वैसे आज ख़त्म भी है हमारा, तो आज हमने कहा चलो आज ख़त्म कुरान का व्लॉग बनाने थे। अगर हम दिखा पाए आपको तो आज दिखा देंगे हम आपको। और ये रहा पीछे मेरे साथ हुमायूं, ठीक है जी, हुमायूं हो गया। और आपको पीछे हमारा कबूतर भी दिख रहा होगा, चार दिन से हमारे यहीं पर आया हुआ छत पे बेचारे के। आज हमने इसको पकड़ के देखा, हमने कहा चलो देखो अभी आपको दिखाते हैं। पकड़ना नहीं, तो ये रहा हमारे जो घर पे कबूतर आया हुआ है चार पाँच दिन से। तो आज हमने इसको फजर के बाद सहरी में नमाज के बाद पकड़ के देखा, तो इतनी सारी जुएँ हो रही हैं। अब पता नहीं जुओं का मसला है या तो क्या बोलते हैं, ज़ख्म वख्म तो कहीं भी नहीं, ना इसकी लगी हुई है ना कुछ है। मुझे लग रहा है जुएँ ही हो रही हैं जो उसकी काट वाट रही है, जब इससे उड़ा नहीं जा रहा, उड़ता ना यूँ उल्टा घूम जाता है। और आज भी देखो, आज ही मुझे लग रहा तुम लोग को नज़र आ रहा, चाँद नज़र आ रहा है ऊपर, ये देखो। तो ये अमेजिंग फैक्ट है। क्या टाइम हो रहा है भाई, अभी 6:15 बजे होंगे ना, निकालो भाई बंद होंगे 6:15 बज रहे हैं। और बताओ ज़रा, सुबह हो गई है, सूरज निकलने वाला है और अभी तक चाँद नज़र आ रहा है, हैरत है भाई, क्या क्या हो रहा है बताओ ज़रा। नहीं, ये मजाक हो रही है। तो हाँ जी, हम बैठ चुके हैं अपनी कुर्सी पे और हुमायूं बैठ गया है सीढ़ी पे। तो वैसे आज खुशी का दिन है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारा होने वाला है ख़त्म कुरान, आज हमारी आखिरी तरावी है। वैसे आखिरी तरावी तो 29 रोज़े को 30 रोज़े को होगी, लेकिन हमारी ख़त्म की जो कुरान की जो ख़त्म की तरावी है वो आज आखिरी है। तो हमने इस वजह से जल्दी ख़त्म करना होना, पहले होता है, पहले हर साल ऐसा होता था कि हम 27 रोज़े को ख़त्म कर देते। तुम लोगों को सही नज़र आ रहा था ना, अगर सही नज़र आ रहा तो बताओ, कमेंट करना कि सही नज़र आ रहा है, वरना फिर दोबारा शूट करना पड़ेगा हमारे लिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हर दफ़ा ऐसा होता था कि हम 27 रोज़े को, अबे चाँद कैसा लग रहा है, अबे चने मिटा, और देखो ऐसा लग रहा है बादल है, चाँद नहीं है, ये जो है ना यहाँ पे ये चाँद है, ठीक है ना, बादल नहीं है, चाँद ही है, ऐसा लग रहा है बादल है। कितना उसके ना मैच कितना हो रहा है, कलर भी कैसा हो रहा है उसका, चने मिटा हो गया है तो, है ना। तो हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था कि हर साल हमारा 27 रोज़े, अबे किसके सेंटीमीटर ले, अभी रुक जा। तो हाँ भाई, तो हर साल हमारा होता था 27 रोज़े को ख़त्म, पापा बोलते थे नहीं 27 रोज़े को ख़त्म करना, तो इस दफ़ा ना हमने थोड़ी सी टोपी लगाई और थोड़ा सा दिमाग लगाया। तो यूजुअली हमारे मेरे होने वाले पेपर भी शुरू, तो मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ रोज़ाना, पिछले हफ्ते से कॉलेज जा रहा हूँ रोज़ाना। तो कल है पीर का दिन, कल भी मुझे जाना है, कल मेरा पेपर भी है। तो मैंने टोपी भी पहनाई, पापा को कही पापा मेरे पेपर शुरू हो रहे हैं, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे पढ़ना है, तो मैं सारे जल्दी तरावी ख़त्म कर रहा हूँ। उमर ने भी बोला पापा मुझे स्कूल जाना है, तो हम इस दफ़ा जल्दी तरावी ख़त्म करेंगे, ठीक है जी। और अभी हुमायूं आ गया है, हुमायूं को बोला था भाई चलो बाहर चलते हैं, आज बाहर का ब्लॉग बनाते, देखते हैं आज क्या माहौल है बाहर का। तो बाहर भी चलेंगे अभी, और भाई लेके जाएंगे सर, भाई अब देख के लेके जाते ही लेके जाते, ठीक है जी। और अब चलते हैं बाहर और देखते हैं, यार समझ में नहीं आ रहा हम आपको दिखाएं क्या, तो अभी चलेंगे बाहर, बाहर का दिखाएंगे, उसके बाद फिर आएंगे घर पे, ठीक है जी। तो हाँ जी गाइस, हम लोग आ चुके हैं गली के बाहर और हुमायूं मेरे साथ है पीछे। तो अब देखते हैं कि बाहर का माहौल क्या है, बिलाल वगैरह हैं या नहीं है, वैसे लोग बाहर तो होते ही हैं, मैदान में खेलते होते हैं। तो आज देखते हैं कि ये लोग बाहर हैं या नहीं हैं। और ये हमारी काली बिल्ली खड़ी हुई है यहाँ पर, कोई भी नहीं है, बिलाल वगैरह तो कोई भी नहीं है, ये भी तो आती फजर में आते भाग गया तो पड़ेगा। हाँ भाई, बिलाल वगैरह तो नहीं है, पूरी गली खाली पड़ी हुई है। और ये हमारे जो बेचारा गल ले कर आया खेलने के लिए, लेकिन उनको यही नहीं खेलने वाला। तो अभी आप देखो ऊपर का देनी है व्यू, बिलाल वगैरह तो नहीं नज़र आ रहे, लेकिन कुत्ते नज़र आ रहे हैं आप। हमने को चले बिलाल वगैरह सुजन वगैरह भाग हो गए, कुत्ते दिख गए। तो हम लोग यहाँ पे मैदान में आके खेल लेंगे, लेकिन कोई भी नहीं है भाई, कुत्ते नज़र आ रहे हैं, देखो यहाँ पर कुत्ते टहल रहे हैं सुबह ही सुबह। तो गाड़ी के पीछे ये देखो भाई क्या खा रहा है, ये थैली फाड़ दी इसने पूरी, ये देखो पता नहीं क्या खा रहा है। तो हाँ भाई,
जेल रोड की रोडों पे हम घूम रहे हैं हुमायूं और मैं, ये देखो, और कोई भी नहीं है भाई। साढ़े छः बजे का टाइम निकले हम गली में, हुमायूं ने छज्जे वाली गली में सबको मार रहा है। गाड़ियाँ जा रही है भाई, सही भाई, खाली छोटी बंद हुआ भाई। अब इसी हमारे इलाके में से मास्टर साहब की एक भाई दुकान खोली है बेकरी की, और सब बंद है। हमने कहा चलो यार आज बाहर घूमते हैं और आज आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं पैदल। थोड़ा सामने खाली स्वीट, खाली स्वीट बंद है, और ना अभी ये वाला रोड बंद है शियाओं की वजह से। अभी इन लोगों का जुलूस निकलेगा ना, तो इन लोगों ने सालों ने रोड डाल दिया इन लोगों ने, वरना वैसे डाल नहीं रहते, आवाम के लिए नहीं डालते भूतने वाले। ये देखो भाई बेवाई जी स्कूल भी आ गई है यहाँ पे, और ये बैतुल सलाम मस्जिद आ गई सामने, और ये आपका भाई और हुमायूं फिर रहे हैं खाली रोडों पे। समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम लोग, तो अभी हम आपको साइड से दिखवाते हैं। हुमायूं बोला चलो अभी कम्प्लेक्स चलते, तो अभी कम्प्लेक्स जाने का इरादा हो रहा है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा भाई। हाँ जी, खाली स्ट्रीट से घूम के हम यादगारों की पीछे वाली गली में आ चुके हैं। तो हम लोग देखने आए थे रेस बाइकों की, हुमायूं बोला था भाई फजर के बाद ना बाइकों की रेस लगती है, तो चलो देखने चलते हैं। हम लोग चलो पैदल चलते हैं, आपको दिखा देंगे अगर रेस हो रही होगी, लेकिन रेस नहीं हो रही। बेचारा मिनाज खड़ा हुआ डंडा लेके बेचारे सबको मारने के लिए, तो हमने आपको उसको दिखाया। ठीक है जी, समझ लगता बेचारा डंडा लेके खड़ा हुआ कि कोई आएगा तो उसको मारेंगे, तो ना कोई खड़ा हुआ है ना कुछ है, रोड बिल्कुल खाली हो रहा है, लग रहा है सही। और पीछे और ये हुमायूं ने पीछे नज़र दिखा तो सही, ये हुमायूं ने पीछे गन रखी हुई है, लेकिन नज़र नहीं आ रही। चलो जी अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स में, आपको दिखाएंगे कॉम्प्लेक्स की खुशगवार हवा और सिनेमैटिक शॉट। ठीक है जी, आज हमारी बाहर घड़ी के रोड का हाल कुछ ऐसा हो रहा है, देखो ये कुछ ऐसा है भाई। तो देखो भाई ये रहा 10 करोड़ भरा हुआ है, देखो अगर साबुत हो तो कोई ना कोई उठा लेता है। ये रहा हिस्सा, ये रहा दो हिस्से, ये रहा एक हिस्सा, ये रहा एक हिस्सा, ये रहा दोनों पड़े हैं। अमेजिंग अमेजिंग फैक्ट हो रहा है, आज चांद सुबह नजर आ रहा है, 10 करोड़ नीचे पड़ा हुआ है जमीन पे, और ये हमारी गली गंदी हो रही है, और पीछे मास्टर साहब बोल रहे चुहा आगे चुहा। तो हाँ गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं कॉम्प्लेक्स, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का थोड़ा ग्रीनरी हिस्सा है, और ये यहाँ पे धूप भी आ रही है। पौधे कितने अच्छे हैं, और वहाँ पे सामने पिछली दफ़ा आपने देखा होगा हम मस्जिद में वहाँ पे नमाज़ पढ़ने आए थे, वो पीछे मस्जिद, और देखो उस साइड सामने मस्जिद है, और ये देखो ये मुझे लग रहा है नए पौधे पेड़ उगाए अच्छे लग रहे हैं यार, ये स्टाइल के क्या बोलते हैं कौन से वाले पेड़ होते हैं इसमें हम नहीं लगती है। अभी धूप भी अच्छी हो रही है, हम लोग कौवे भी देख लो वर्कआउट कर रहे हैं अंकल के बच्चे, और वहाँ पर अंकल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे लेडीज़ भी है, तो देखते हैं हम वीडियो बनाते हैं या नहीं। अरे अंडे की तरह मार उड़ जाता ना अभी, अभी हम बच गए, उड़ जाते हम लोग भागते हुए जा रहे थे तो बस में से अंकल उतर रहे, हम लोग यूँ कट मार के भाग के निकल रहे, तो भाई बोला यार भाई बच गए अभी, वरना अंकल कैसे सूख जाता है। अभी जब हम पुल पे से उतरे ना कम्प्लेक्स में, ना नहीं आया है पुल पे से उतरे, तो जब की बात बता रहे कि जब हम लोग आते तो फिर समझ में आता। तो ये हमारे सामने है यहाँ पे कोयल है, और ये ग्रीन फूल वाला पेड़, यहाँ पे पौधे पेड़ पौधे अच्छे बने हुए हैं, अच्छे होगा। पहले पता नहीं 10-15 साल पहले की बात है, जब मैं ख़्याल से मैं 7-8 साल का होऊंगा 10 साल का ही होऊंगा, तो पापा के साथ आता था मैं रोज़ाना, पहले रोज़ाना आते थे पापा को जब नया नया शौक चला था, पापा को जब नया नया शौक चला था तो हम रोज़ाना आते थे एक्सरसाइज करने, फिर पापा हफ्ते में आने लगे, हफ्ते आते थे, फिर हम लोग हफ्ते आने के बाद फिर हर हफ्ते हलवा पूरी का नाश्ता करने आते थे, तो यहाँ पे जब तो इतना सारा ग्रीनरी थी। और अभी हम इंटर हो रहे हैं कम्प्लेक्स का जो मेन ग्राउंड है गोल सा सीमेंट वाला, उसके अंदर यहाँ पे भी टिकटॉक बनाते हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर ना फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन होते हैं ज़्यादातर, स्कूल वाले कॉलेज वाले अपने यहाँ पे फंक्शन करने आते हैं या किसी और चीज़ की, ऐसा कुछ माहौल है वहाँ पे। अंकल जी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं अपनी अच्छी अच्छी और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, बड़ी टाइट वाली धूप हो रही है यार। हाँ देखो ये पूरा कम्प्लेक्स का ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे बोलो बच्चे खेलने में भी आते हैं मोस्टली शाम में, वरना तो ज़्यादातर ऐसा होता है
के ना क्या बोलते हैं यहाँ पे स्कूल वाले और कॉलेज वाले फंक्शन करने आते हैं अपना रिजल्ट का या जो भी फंक्शन होता है उनका, तो ज़्यादातर यहाँ पे फंक्शन होता है। हमें एक बेंच मिल गई है खाली, तो हमने कहा चलो हम लोग यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ भी ले लेंगे अपने व्लॉग की आज, जो आप इंस्टाग्राम पे देख लोगे। और देखो अल्लाह ज़रा सिगरेटें पड़ी हुई माशाल्लाह से हद होती। तो मैं और हुमायूं बैठ चुके हैं यहाँ पे बेंच पे, तो हमने कहा थोड़ी देर बैठ जाओ, पैदल चल के आए घर से तो हंस लग गए। तो उसकी देखो रोज़ा नहीं रखा फिर भी ऐसी टुन वाली हालत हो गई। रखा है भाई, रखा है अभी, बोला तो नहीं रखा अभी, बोला तो जी। अभी हम यहाँ पे ये देखो ये पेड़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अपनी फ़ोटोज़ लेते हैं डिज़ाइन कैसा आ रहा है, इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ लेते हैं। अबे तो हाँ जी, हम लोग आ चुके हैं चाय पकड़ना कॉम्प्लेक्स से घर पे, और अभी टाइम में खासा 7:30 बज रहे हैं। जब हम लोग चले गए तो 7:25 हो गए थे, मैं खास 7:45 बज चुके होंगे, और अभी नींद भी आ रही टाइट वाली। हमारी जगह भेजते हैं घर पर, दरवाज़ा बजा के दरवाज़ा बजा, देखो अबू ट्रेन से, तो हमारे दरवाज़ा बजा दिए ठीक है, अबू आते हैं फिर मैं अभी जाता हूँ और हम सोते हैं। और बहुत टाइट वाली नींद आ रही है, बड़ा मज़ा आया कम तक घूम के, जॉगिंग करके खुशगवार हवा में घूम के ठीक है जी। अब नहीं मिल जाएगा तो मैं चलो चाबी का, चलो जी हमारे जा चुके हैं, मैं भी जा रहा हूँ घर पे खुदिला ठीक है जी। अब आपसे मिलते हैं शाम में या रात में। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3, और मैं सो के उठ चुका हूँ, नहावा भी दिया, नवाज वहाँ भी कर लिए। तो अभी हम जा रहे हैं सामान लेने, केले वेले लेने जा रहे हैं, अफ्तारी के सामान ले रहे हैं, फिर सब्जियाँ भी खाएँ, हमारे को भी लेंगे, और आपसे मिलते हैं डायरेक्ट चर्च पर ठीक है जी। चालू करते हैं पीछे ओके हाँ भाई, जब चौक पहुँच चुके हैं और हमने लिए बना लाल वाला तरबूजा, अब केले लेते हैं उसके बाद चलते हैं। केले भी और लाल वाला करना भी, हम जा रहे हैं वहाँ से भाई दुकान के पास, उससे लेंगे गिफ्ट पेपर आपको दिखा देंगे। देखो हाँ, इतवार का दिन है तो सब खाली खाली हो रहा है, रोड वोड सब खाली हो रहा है, देखो सब खाली हो रहा है। हाँ भैया, केले वाले लेके घर पे आ चुके हैं, और ये रहे हमारे वासु भाई हाई कर, तो इनसे हम लेंगे सीट दिखा दो भाई, गिफ्ट पेपर की शीट लेंगे और फिर चलेंगे घर पे ठीक है। ये रही हमारी गिफ्ट पेपर की शीट, बस भाभी ने ये बोली थी बस ये लेंगे उसके बाद फिर चलते हैं। हाँ जी भैया जी, हम अपने डब्बे लेके आ चुके हैं केक के, ये रखे हुए ठीक है जी। अब हम पर्ची पे हिसाब लगाएंगे, मतलब नाम लिखेंगे, और जिसको जितने डब्बे देने होंगे वो देंगे ठीक है जी। हाँ जी भैया जी, अफ्तारी हमने कर ली है, अफ्तारी इज़ डन, और अभी हो रहा है मगरिब का टाइम। पापा लोग वॉशरूम में हैं, वज़ू कर रहे हैं सब, फिलहाल भाई लोग अभी थोड़ी सी अफ्तारी कर रहे हैं। और देखो ऐसा मौसम हो रहा है अभी रोज़े के बाद का, अजान के बाद का मगरिब का, पर 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 आसमान हो रहा है पूरा ठीक है जी। अब आपसे मिलेंगे तरावी के बाद, तरावी में या तो हाँ जी बॉयज़, आपका भाई रेडी हो चुका है तरावी पढ़ाने के लिए ठीक है जी। और अभी दरिया देखो पूरी आधी इधर हो गई आधी इस साइड हो गई, तो मुझे लग रहा है मुझे बीच में करनी पड़ेगी, तो अभी तक कोई नहीं आया, सिर्फ अभी उमर भाई और मैं ही तैयार हुए हैं। और लाइट थोड़ी सही आ रही है यार, है ना, ये नहीं आ रही। तो चलो जी अभी हम नमाज़ पढ़ाएंगे, उसके बाद तरावी स्टार्ट होगी। आज ख़त्म कुरान है जैसा कि आपको पता ही है, और सूट बताओ कि कैसा लग रहा है मेरा, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। चलो जी ठीक है जी, अब हम पढ़ाते हैं तरावी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيكون ربي أكرما فأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيكون ربي أهانا كلا ولا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربه وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Two days later. तो हाँ जी गाइज, आज है दो दिन बाद का दिन, मतलब जिस दिन तरावी ख़त्म हुई थी उसके दो दिन बाद शूट कर रहा, मतलब जैसे इतवार को ख़त्म हुई थी तो मैं, आज है मंगल का दिन और मंगल के दिन भी मैं अभी रोज़े के रोज़ा खुलने वाला है, अफ्तार होने वाली है, अभी 7:45 बज रहे हैं तो उस टाइम शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। दो दिन से मैं जा रहा था मुफ्ताखोर ने क्या बोलते हैं, दो तीन काम भी थे और पेपर भी था मेरा कल मंडे को पेपर भी था, तो आज मैं फारिग हूँ, आज मैं कहीं नहीं गया। तो मैंने कहा यार वीडियो तो एंड करी नहीं, तो आज वीडियो को एंड करते हैं। और फाइनली आप लोगों ने जैसे देखा कि हमने तरावी की भी शूट कर ली है वीडियो,
और हमने दुआ की भी शूट कर ली, तो वो भी मैं डाल दूंगा, वो भी आप देखने, वैसे तो आपने देख ली होगी क्योंकि ये दो दिन के बाद की है। ठीक है जी, तो आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। अब देखते हैं एक व्लॉग रमज़ान से पहले आता है या नहीं, नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट ईद वाले दिन व्लॉग मिलेगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।